राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बिसात बीत चुकी है। पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। पिछली कड़ी में हमने बात की थी पाली विधानसभा सीट की, आज बात करेंगे भरतपुर विधानसभा सीट के बारे में। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से भरतपुर सीट एक चर्चित और हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि सीट को राजस्थान का पूर्वी द्वार कहा जाता है। वर्तमान में इस सीट से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के डॉक्टर सुभाष गर्ग विधायक है और राज्य सरकार में मंत्री भी है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 255,603 मतदाता थे, जिन्होंने आरएलडी उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष गर्ग को 52,859 वोटों से विधायक बनाया था, जबकि भाजपा उम्मीदवार विजय बंसल को सिर्फ 37,159 मतदाताओं का भरोसा ही हासिल हो पाया था और उन्हें 15,710 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस समर्थित आरएलडी प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष गर्ग मैदान में उतरे हैं, तो वहीं बीजेपी ने विजय बंसल को मैदान में उतारा है। इस बार होने वाले चुनाव में सीट पर लगभग 276,690 मतदाता है जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। वही अगर यहाँ के जातिगत समीकरण की बात करें तो ये सीट जाट बाहुल्य सीट है। यहाँ सबसे ज्यादा मतदाता जाट समाज से आते हैं, जो किसी भी प्रत्याशी की हार जीत का समीकरण बना भी सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। भरतपुर सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहाँ पर 2018 से पहले राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से विजय बंसल 3 बार विधायक रहे हैं। पहला चुनाव उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से लड़कर जीत हासिल की थी। भरतपुर विधानसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण सीट है। इस बार इस सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये तो जनता ही तय करेगी। द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मिलूंगी एक और विधानसभा सीट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।